ये अल्टरनेटर की डायरेक्ट प्लेट है। इसकी वजह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रहा था कि चाबी ऑन करते ही बैटरी लाइट भी बर बर आ रहा था और गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत चला भी जा रहा था, पर बैटरी वोल्टेज चार्ज नहीं हो रहा था, मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। तो वायरिंग चेक करने के बाद अल्टरनेटर खोला तो इसमें प्रॉब्लम मुझे ये दिखा कि जो मेन वाले डायोड है, जो मेन के जो डायोड है, वो दो डायोड इसके उड़ चुके थे। जो लाइट बंद हो रही थी वो सिर्फ़ एक डायोड से बंद हो रही थी, और जो मेन के जो डायोड थे, जो बीच में आते, जो बीच में वाली सेंटर वाली जो प्लेट है, इसके अंदर मेन के डायोड आते, ये एक दो और ये तीन, इसमें से दो डायोड उड़ चुके हैं ये वाले। तो इसके वजह से बैटरी लाइट भी बार बार बंद हो रही थी पर बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। तो ये मल्टीमीटर से मैंने कैसे चेक किया ये बताता हूँ आपको। जो मल्टीमीटर है उसको सेट कर लेंगे बीप की साउंड पे, बीप की साउंड पे चला गया। पहले चेक कर ले मल्टीमीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये वर्क कर रहा है, बीप की साउंड आ रही है, पर ये बीप की साउंड नहीं करेगा, ये सिर्फ रीडिंग देगा। तो देख ले, ये जो मेन वाला है इस पर अपन ने मेन प्रोब लगाया, और ये जो पॉइंट है इसके तीन पॉइंट, ये स्टेटर कॉइल के, जो स्टेटर कॉइल आती है उसके जो तार है वो इस पॉइंट पे लगते हैं, एक दो ये तीन। तो इसे चेक करते हैं, पहले अर्थिंग पास से चेक करते हैं। ये जो नीचे की प्लेट है वो अर्थिंग है, ये बॉडी के साथ टाइट होती है, देख सकते हैं तीन डायोड है नेगेटिव वाले। तो पहले इसको अर्थिंग वाला ये लगा देते हैं, ये अर्थिंग पे मैंने प्रेस करके रखा है नीचे, अब लेके चेक कर दे, एक कोई रीडिंग नहीं है, ये दो और ये तीन, देख सकते हैं अभी कोई रीडिंग नहीं है। अब इसको जैसे मैं पलटा के लगाऊंगा तो ये रीडिंग शो करेगा इधर मल्टीमीटर, ये देखो ये रीडिंग 474, 510, 511, ओके। तो ये रीडिंग शो करना चाहिए, बीप की साउंड खराब मतलब ये डायोड भी ख़राब है, ओके। और ये जो पॉइंट है इसका, ये अपना बत्ती का पॉइंट है, जो डैशबोर्ड में बैटरी की लाइट लगती है उसका, इस पर मेन लगा दिया मैंने, ये देखो कोई रीडिंग नहीं। इसका वर्क मतलब ऐसे है कि एक साइड रीडिंग देना चाहिए और एक साइड नहीं देना चाहिए, तब ये रीडिंग शो करेगा, क्योंकि वायर मैंने पलटा दी ना, 514 तो वो रीडिंग शो कर रहा है। अब जो इसमें फॉल्ट था वो मेन से था, तब ये मेन वाली मेन में लगा दिए, देखे अब ये एक नंबर पे लगाया, कोई रीडिंग नहीं, दो नंबर पे कोई रीडिंग नहीं, तीन नंबर पे कोई रीडिंग नहीं। अब देख एक नंबर पे अभी भी कोई रीडिंग नहीं, अभी रीडिंग दिखाना चाहिए, ये देखो कोई रीडिंग नहीं, अभी इस पर रीडिंग बताएगा क्योंकि ये डायोड सही है। देखो इसका मतलब ये दो डायोड है ये शॉर्ट हो चुके हैं और इस वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था, बैटरी नहीं चार्जिंग हो रही थी, बाकी अल्टरनेटर प्रॉपर वर्क कर रहा था, सिर्फ बैटरी नहीं चार्ज हो रही थी। तो मतलब इसका मतलब मुझे फिर ये चेंज करना पड़ा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।